अनुराग चौधरी, साथ में आरती। आज आपको हम किंग कोबरा से संबंधित कुछ तथ्य इन्फॉर्मेशन देंगे कि किंग कोबरा क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि किंग कोबरा का नाम सुनते हमारे जहन में एक डर सा पैदा हो जाता है, होना भी चाहिए, क्योंकि जहरीले सांपों में पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबा सांप किंग कोबरा होता है, जिसकी मैक्सिमम लेंथ पाया गया 19 फीट 2 इंच थाईलैंड में। इसी तरह से ये सांप का साइंटिफिक नेम है ओफियोफैगस हैनन, इसका मतलब सांपों को खाने वाला। क्योंकि और आपको मैं ये भी बता दूँ कि ये सांप स्पेक्टिकल कोबरा, हमारे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जिसका नाम नाजा, उसके जहर के अगेंस्ट में इसका जहर कम होता है, लेकिन ये अपने एक बार के बाइट में अप टू 7 ml तक जहर छोड़ता है। उस जहर से 30 आदमी और एक हाथी की मौत हो सकती है। और ये सांप दुनिया के सबसे लंबा सांपों में से है और हमारे भारत में बताओ, ये भारत के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है, जिसमें तमिलनाडु, केरला, गोवा, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान। इसके अलावा ये देश के बाहर, भारत देश के बाहर बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल, थाईलैंड। ये दुनिया का एक ऐसे सांपों में से एक सांप है जो एक बार में 20 से 40 अंडे देते हैं। और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इस मादा किंग कोबरा जो है अपना घोंसला बनाता है, सूखे पत्तों से घोंसला बना के उसमें अंडों को रखती है और अंडों के साथ करीब 70 दिन रहते हैं और उसके अंदर टेम्परेचर 28 डिग्री तक का रहता है और उसके बाद उसमें बच्चे हैच होते हैं। इनके बच्चे जब हैच होते हैं 1 से 1.25 फीट तक का लेंथ होता है, एडल्ट साइज़ इनका 9 से 10 फीट और एवरेज लेंथ जो है इसका 15 से 16 फीट तक का इसका लेंथ होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा 1972 से इसके लिए एक एक्ट लगा हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगा हुआ है। अगर किसी ने कोई व्यक्ति किंग कोबरा मारते हुए पाया गया तो उसको 6 साल का सजा होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सांपों को ना मारे, सांप हमारे दोस्त है और इनके जहर से बहुत सारे लाइफ सेविंग मेडिसिन बनते हैं, इन्हीं के जहर से एंटीवेनम बनता है। पूरे भारत में किंग कोबरा का जहर से एंटीवेनम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कसौली हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ एंटीवेनम बनता है। दूसरा इंडिया से बाहर थाईलैंड रेड क्रॉस में जो कि थाईलैंड में है वहाँ एंटीवेनम बनता है। सांपों को ना मारे, सांप हमारे दोस्त हैं और सबसे बड़ा चीज़ यही है कि सांप हमारे पर्यावरण को बचाते हैं, ठीक है, पर्यावरण को बचाते हैं। जब तक हम इनको नुकसान नहीं करेंगे, जब तक इनको किसी प्रकार का आहत नहीं करेंगे, ये इंसानी बस्ती से दूर रहना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सेव ट्रीज तो सेव लाइफ, सेव एनिमल्स सेव नेचर। तो प्लीज़ पेड़ पौधे लगाइए और इंसानी लाइफ को बचाइए, और जीव जंतु बचेंगे तो हम भी बचेंगे। थैंक यू।